उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि उत्पादक संगठन एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टीकरी वाराणसी का भ्रमण किया। यह भ्रमण राज्य के कृषि क्षेत्र में नए नवाचारों और प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों और किसानों के साथ मंत्री जी का स्वागत गर्म जोशी से किया गया। भ्रमण के दौरान सूर्य प्रताप शाही ने संगठन द्वारा स्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बायोमास संचालित कोल्ड रूम का अवलोकन किया, जो कि फसल को ताजा और सुरक्षित रखने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है। इस कोल्ड रूम के माध्यम से किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार में उचित मूल्य मिल सकेगा। आज मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एसोसिएशन के नेशनल कन्वेंशन में आया था और वहाँ पूरे देश भर के विद्यार्थी और उनके प्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठा थे। वर्तमान परिस्थितियों में, बदलते हुए परिवेश में कैसे टिकाऊ खेती और आजीविका चले, इस पर वो विचार गोष्ठी थी, इसमें शामिल हुआ। वहाँ अनेक विद्वान आए थे, उनके सामने मैंने कुछ रखा है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमें क्लाइमेट रेसिलिएंट रिसर्च को बढ़ाना चाहिए, उस प्रकार की बिल्डिंग तैयार हमको करनी चाहिए जिससे कि आने वाले भविष्य की चुनौतियों को हम समाधान कर सकें। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कृषि अनुसंधान और उसके एक्सटेंशन के लिए काम कर रही है। जो हम शोध कर रहे हैं वो लैब टू लैंड जाए, यह प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार अपील किया साइंटिस्टों से, तो इस संदर्भ में भी मैंने उनको आग्रह किया कि इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के फार्म तक हम उसको पहुँचाएँ। उस दिशा से हमको ये प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि खेती का तकनीकी का प्रसार और आज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कम लागत में ज़्यादा पैदावार कैसे की जा सके, उस तकनीकी को किसान के बीच में पहुँचाया जाना है। आज कल लखनऊ के भीतर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन कमिश्नर और वहाँ आए थे अपनी टीम के साथ, तो उनके साथ भी बातचीत हुई थी और यहाँ से ये FPO जो टिकरी गांव के भीतर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में टिकरी गांव पड़ता है, वहाँ अमित कुमार सिंह IITian हैं, जिन्होंने MTech और PhD करने के बाद और टीचिंग करने के बाद उससे रिजाइन करके और खेती किसानी पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर वो दूध कलेक्शन का भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वो मशरूम पर भी काम उनका शुरू हुआ है और इसके अलावा वो साग सब्जियों और फलों का एक्सपोर्ट भी वाराणसी से कर रहे हैं। तो उनके FPO कल उन्होंने अनुरोध किया था कि किसी समय आप हमारे FPO पर आएँ और देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। संयोग से मैं आज वाराणसी आया तो इनको कवर किया और यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है कि जो FPO के लिए किसी उत्पादक संगठन, सरकार की मंशा यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की मंशा है कि किसानों को सामूहिक खेती के दृष्टि से प्रयास कराया जाए, जिससे टेक्नोलॉजी का कम लागत में उनके खेतों तक प्रसार हो सके और उसका इस्तेमाल कर सके। कम पूंजी में छोटे खेतों के भीतर कैसे अच्छी कमाई हो सके, इस दृष्टि से FPO के निर्माण किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3200 से ज़्यादा हमारे FPO पंजीकृत हैं और इस FPO को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, पहला FPO है जिनको जो उसकी क्राइटेरिया थी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई कि उस उन पर 750 मेंबर होने चाहिए और हर किसान का 2000 रुपये का शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो इस प्रकार से इस FPO ने 750 किसानों का 15 लाख रुपये शेयर होल्डिंग तैयार किया। तो प्रधानमंत्री ने मैचिंग ग्रांट किया था और उस मैचिंग ग्रांट से इनके पास 30 लाख की पूंजी हो गई। 30 लाख की पूंजी से इन्होंने उस पर काम करके और लगभग 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर पिछले वर्षों में इनका रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हमने अपनी पॉलिसी बनाई है FPO की, उसके भीतर इनको मोबाइल वैन भी हमने उपलब्ध कराई है, वहाँ लगा काफ़ी जैविक उत्पाद बिक्री वाहन, तो उनको प्रमोशन के दृष्टि से मार्केट लिंकेज कैसे तैयार हो सके और इसके लिए मोबाइल जो उनके उन FPO के उत्पाद उन शहरों के भीतर या जहाँ उनको पहुँचाया जाना है उसके ज़रूरतमंद उपभोक्ताओं तक पहुँच सके, उस दिशा में उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। ये अपने प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं, उसका भी मार्केट इनको मिला हुआ है। ये चावल बनाने का
साथ में इधर इस पर मिर्ची के पाउडर और ये मशरूम को ड्राई करके, ड्राई मशरूम और इसके अलावा कुछ लड्डू के प्रोडक्ट तैयार करके, मिलेट्स के प्रोडक्ट तैयार करके ये उसकी बिक्री कर रहे हैं। साथ साथ में अमूल डेयरी से इन्होंने कोलेब्रेशन कर रखा है, उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है और साथ साथ में कलेक्शन सेंटर भी खोला है। तो जो दूध उत्पादक किसान हैं उनसे दूध लेकर के और उनको एक अच्छी कीमत देने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो मंशा था कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में कैसे किसान को आमदनी पहुँचाई जा सकती है, उसका एक आदर्श FPO यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक IITian जो BTech, MTech और PhD करने के बाद और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके इस काम को कर रहा है, और इनके साथ एक दूसरे भी IITian है जो उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो दो IITian मिल करके और इन्होंने यह काम प्रारंभ किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। उनके पिताजी यहाँ पर हमारे बीच में अनिल सिंह जी मौजूद हैं और इनका भी काफ़ी उसके लिए समर्थन और सहयोग है। इन्होंने 1,00,000 पेड़ लगाने का संकल्प किया था, 1,00,00,000 पेड़ लगाने का संकल्प किया था और उस दिशा में निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। अगल बगल के गांव में इन्होंने वृक्ष लगाए हैं और किसानों को निःशुल्क पौधा भी वितरित करने का काम करते हैं। उनसे नर्सरी तैयार करा करके उनको अच्छे अच्छे वैरायटी के पेड़ उनको देते हैं, जिससे किसान उसको याद कर सके और उसको संरक्षण दे सके। तो यह एक बेहतर प्रयास है। महिलाओं को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाने का काम मशीन पर और सब्जियों के रख रखाव पर ये लोग कर रहे हैं, तो एक अच्छे दिशा में यह FPO काम कर रहा है। इसकी सफलता के लिए मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने IITian होने के बावजूद भी खेती किसानी के चुनौती को स्वीकार किया है, उस दिशा में एक बेहतर और अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये बधाई से इनको मैं अपनी ओर से देता हूँ। मंत्री, माननीय मंत्री जी हमारे कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी के कैंपस में आए, ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कैंपस में आए, हमारा पूरा कैंपस देखे, हम लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग करा रहे हैं, कैसे किसान भाइयों को हम लोग ये उपलब्ध करा रहे हैं, खाद बीज और ऑर्गेनिक चीज़ें सब, अब किस तरह से उनको हम सेंटर खोल के उनका लाभ करा रहे हैं, कैसे उनके सामानों को हम विदेश भेज रहे हैं जिसमें उनका लाभ हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखे। और हम लोगों के कृषक उत्पादक संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह की और हमारी कृषक उत्पादक संगठन टिकरी के वाराणसी के सभी सदस्यों की भूर भूर प्रशंसा किए और बोले गवर्नमेंट से जो भी मदद हो सकेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से चाहे केंद्र सरकार से, हम लोग आप लोगों को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।